कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से नीतीश कुमार जी जाने का काम किए हैं वो लूट खसोट की सरकार मचा रखे हैं। मोदी जी अमित शाह जी के साथ आने का काम किया और उन्होंने जेब काटने की सरकार बना चला शुरू कर दिए हैं। ये जनता का शोषण, ये 500 रुपए का रिचार्ज करेगा 2000 रुपए बिल देगा, ये कहाँ का इंसाफ है? जो मीटर पहले था वही मीटर होना चाहिए। गरीब का शोषण हो रहा है, हजारों के संख्या में डंके को चोट पवार देंगे, नीतीश कुमार जी के कानों तक आवाज पहुंचाएंगे कि डिजिटल मीटर को बंद कीजिए। बिहार में जो खेल खेल रहे हैं बिजली विभाग में, गरीबों का शोषण हो रहा है ना, आप सब लोग त्राहिमाम हैं और इसके लिए हम लोग आवाज पुरजोर तरीका से आवाज उठाएंगे। जो हैजा बीमारी होता है इस तरह अडानी के यह बीमारी चला है हैजा का। हम लोग लाठी पेलावन पार्टी के लोग हैं और आदरणीय लालू यादव को पटक, हम लोग लाठी पेलावन फिर तेल पेलावन शुरू कर देंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। पूरे बिहार में डिजिटल मीटर को लेकर जो है काफ़ी जो है विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। उन लोगों के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि डिजिटल मीटर में काफ़ी जो है समस्या उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के द्वारा जो है एक दिवसीय 1 अक्टूबर को जो है धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय में पूरे बिहार में होगी। ऐसे में आज जो है प्रखंड मुख्यालय कांटी में पहुंचकर प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी चीज़ों को देख जानकारी जुटाया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, क्या कुछ है कार्यक्रम, कैसे रूपरेखा है। पार्टी के द्वारा 1 तारीख को पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के विरोध में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। उसी के संबंध में हम लोग आए हैं यहाँ तैयारी संबंधी करने के लिए अपना साथी लोग के साथ कि टेंट उन्ट लगाया जाए और लगा के अधिक से अधिक आदमी को जमा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। क्या लग रहा है, लगातार सत्ता दल के द्वारा बोला जा रहा है, ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से स्मार्ट बिहार हो रहा है, एक तरफ आप बोल रहे हैं स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं आप लोग, यह तो देखने का चीज़ है कि हर गांव, हर पंचायत, हर चौराहे में गरीबों के साथ क्या हो रहा है। 100 रुपया का बिजली जला रहा है, 500 रुपया बिल आ रहा है, तो त्राहिमाम हर जगह मचा हुआ है। इसीलिए सरकार इस पर एक्शन लिया है और इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने का अपना काम किया है। उसको बदलाव होना चाहिए, जिसमें बदलाव होना चाहिए, गरीबों को राहत मिलना चाहिए, जिससे बदलाव होगा तो गरीब लोगों को राहत मिलेगा। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं डिजिटल मीटर को लेकर? क्या देखिए, डिजिटल मीटर को लेकर तो यहाँ तो जनता पे त्राहिमाम है। सरकार को इधर सोचना चाहिए कि जो जो गरीब से गरीब लोग हैं उसको जो पहले जो फिक्स मीटर था उसी पर लागू करना चाहिए था, लेकिन अभी तो फिर मीटर स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्या होता है कि आज 500 के रिचार्ज कराते हैं, कल होकर उस पैसा ख़त्म हो जाता है। बहुत ऐसा जगह है कि बहुत शिकायत है, लेकिन हम लोग अपने सरकार के द्वारा जो टाइम चिन्हित किया गया है उसको विरोध में हम लोग 1 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि जनता को सुविधा मिल सके। बिहार में जो है धरना प्रदर्शन करने पर लाठी भी सरकार चलवा रही है। अच्छा, तो लाठी चलाएगी तो हम लोग तो शुरू से लाठी खाने वाले लोग हैं, तो हम लोग पीछे थोड़ी हटने वाले हैं। जो चलेगा तो चला, देखा जाएगा, हम लोग खाने के लिए तो आइए नहीं, जनता को सुविधा मिलना चाहिए। अगर लाठी खाने से अगर जनता को सुविधा मिल जाए तो हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। पूरा 1 तारीख को पूरा तरह से पूरे तैयार है हम लोग, पूरे कार्यकर्ता जो नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत तक जब भी सभी सब लोग हम लोग एक तरह बैठ के और हम लोग को धरना प्रदर्शन को एकजुटता दिखाएंगे। चलिए, हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता जी है, क्या कहेंगे डिजिटल मीटर को लेकर? सरकार बोल रही है कि काफ़ी अच्छा है और आप लोग विरोध कर रहे हैं 1 तारीख करने वाले। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके माध्यम से हम तमाम कांटी विधानसभा के जनता से अनुरोध विनती और करना चाह रहा हूँ कि 1 तारीख का जो प्रोग्राम है स्मार्ट मीटर के विरोध में जो रखा गया है, तेजस्वी जी का पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का ये प्रोग्राम है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरना प्रदर्शन में उपस्थित हों और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनावे, क्योंकि हमारा पार्टी का नीति रहा है शुरू से गरीब बुढ़वा का जब शोषण होगा तो हम लोग गरीब बुढ़वा के समर्थन में आवाज़ उठाते हैं और हमारी पार्टी ही सिर्फ यह करती है। और इसके विरोध में तेजस्वी यादव जो धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम बना है 1 तारीख के, उसमें तमाम लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लॉक स्तर पर आ करके इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं ताकि लोग गरीबों का शोषण होना बंद हो। अच्छा, ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि स्मार्ट बिहार बना रहे हैं। प्रकाश जी, ऊर्जा मंत्री किस खेमा के हैं लोग आप देख रहे हैं ना,
पूरे हिंदुस्तान को निजीकरण निजी हाथों में दे दिया गया है, और ये बिहार में जो खेल खेल रहे हैं बिजली विभाग में, गरीबों का शोषण हो रहा है ना। आप गांव देहात में जाकर देखिए ना, जो जहां 100 का बिजली खपत हो रहा है वहां 500 का बिल मिल रहा कट रहा है। सब लोग त्राहिमाम है, और इसके लिए हम लोग आवाज़ पुरजोर तरीका से आवाज़ उठाएंगे, और आपके माध्यम से हम विनती रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तमाम लोगों से, जो 1 तारीख के दिन ब्लॉक पर आकर के इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाए। कितना भीड़ रहेगा हमारे पर, हम तो यही कहेंगे जो हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हो और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनावे। चलिए, क्या कहेंगे डिजिटल मीटर को लेकर? लगातार सरकार पीप थपथपा रही, बोल रही कि अच्छा काम हुआ है, लगातार डिजिटल बिहार बन रहा है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए, ये तो पूरे बिहार में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का घोषित कार्यक्रम है, जो बिहार में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो स्मार्ट मीटर जो हैजा की तरह जो हैजा बीमारी होता है, इस तरह अडानी के यह बीमारी चला है हैजा का, तो इसके हैजा के इलाज करने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव का आदेश हुआ है। पूरे बिहार में सभी जिला में सभी प्रखंड मुख्यालय में हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ, ताकि काफ़ी गरीबों में इसके लिए हलचल और हंगामा हो चुका है, ताकि हमारे जो दलित पिछड़ा गरीब मैंडोटी समाज के जो गरीब लोग हैं दिहाड़ी करने वाला, वह उसके मीटर के द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसके बरखिलाफ में हम लोग जानदार और शानदार तरीके से हम लोग लड़ाई लड़के और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के मान सम्मान को बिहार में बढ़ाने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं माना तो आपने जो कहा है कि लाठी चलाने का, तो हम लोग लाठी पेलावन पार्टी के लोग हैं, और आदरणीय लालू यादव को पटक हम लाठी पेलावन फिर तेल पेलावन शुरू कर देंगे हम लोग, अगर नहीं माना तो। नहीं मानिएगा, हम लोग कहें ना कि लाठी में तेल पेलावन शुरू कर देंगे, नहीं माने तो। दूसरा चीज़ देखने को मिला, एक चीज़ और मैं इसके माध्यम से कह दूंगा कि और इसके बाद होने जा रहा है कार्यक्रम हम लोगों का, जो पूरे बिहार में जिला राजस्व अभिलेखागार अंचल कार्यालय राजस्व कर्मचारी के द्वारा हम आदरणीय जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं उनसे मैं मांग करना चाहता हूं कि वह जमाबंदी पंजी रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 में जो पदाधिकारी छेड़छाड़ किया है, इसकी कमेटी गठन करके जो पदाधिकारी छेड़छाड़ किया उस पर कार्रवाई करे, ताकि लाखों लाख जनता आज मजबूर होकर के एक थोड़ा सा बिना वाद संख्या के चढ़ाने के बाद उस जनता को टाइटल सूट में जाना पड़ रहा है। इसकी भी लड़ाई हम लोग इसके बाद लड़ना चाहेंगे। इसी के साथ हम कहेंगे कि हम लोग 1 तारीख के पूरा रेलम पेल के द्वारा एकदम हम लोग पूरा बिहार में हुड़दंग मचा देंगे हम। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग क्या कहेंगे डिजिटल मीटर को लेकर, कैसे देखिए? डिजिटल मीटर यानी गरीबों के हक में बिल्कुल अनहित के काम हो रहा है। एक तरफ हमारे बिजली मंत्री बोल रहे हैं जो स्मार्ट सिटी रहेगा, एक तरफ गरीबों का शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम लोग 1 तारीख के लाखों के संख्या में यहाँ कार्यालय पर प्रखंड कार्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन लाठी के बात कर रहे हैं। लाठी खाने के लिए हम लोग सदा मतलब तैयार हूँ। हार नहीं मानेंगे, एकदम हार नहीं मानेंगे। चलिए, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जो है आंदोलन करने पर लाठी भी चलता है। देखिए, वो तो लाठी तो जिसका सत्ता रहता है वो चलवाता ही है, खैर उस पर नहीं जाना है हम लोग को। बिहार में जो हमारे बिहार के भविष्य और भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का आह्वान हुआ कि पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, ये सही है और जनता के हित के लिए है। इसमें हम समझते हैं कि 80% जनता इससे दुखी है स्मार्ट मीटर से, तो हम लोग तो जनता के लिए लड़ते हैं और जनता के लिए ही काम करते हैं। तो 1 तारीख को रखा गया है ये धरना प्रदर्शन। कितने बजे से होगा? करीब 10 बजे से। 10 बजे? हाँ, 10 बजे से सारे लोग जुटेंगे और हम लोग जनता का आवाज़ उठाएंगे। और ये नया नया फंडा निकाला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, नए नए स्कीम के तहत जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो स्मार्ट मीटर है, अब जो जिसका 200 बिल आता था उसका 2000 बिल आ रहा है, जिसका 300 बिल आ रहा है उसका 3000 आ रहा है, मतलब इतना गुना करके बिल। और मजबूरी में लोग 12 बजे रात में सोया हुआ है, लाइन कट गया, अब कोई ना कोई उपाय करके रिचार्ज करता है क्योंकि लाइन की आवश्यकता है।
तो ये सब नए नए तरीका से बिहार के जनता के ठगने के काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा हम लोग बिहार में चलने नहीं देंगे और इस धरना को सफल बनाएंगे। और कांटी विधानसभा में जो हमारे जितने जनता हैं उनसे भी आह्वान करते हैं, जो इससे पीड़ित है, हमको तो लगता है लमसम लोग पीड़ित है स्मार्ट मीटर से, सब लोग कांटी ब्लॉक पर 1 तारीख को आए और इस धरना को सफल बनाए ताकि सरकार के कानों तक ये बात जाए और ये स्मार्ट मीटर का फंडा खत्म करे। ये नई तकनीकी जो बिहार के जनता को ठगने का जो उपाय किया गया है ये सदा के लिए खत्म हो और जो पहले था उस तरह से, या फिर उनको जो नया विचार किया हो चाहे जो भी जिस तरह से करना हो फिर से जनता के सुविधा दे। तो ये चीट फंड वाला जो सिस्टम है, चीटिंग वाला जो मैटर चल रहा है मीटर जो है, ये जनता के लिए कहीं से कतई अच्छा नहीं है। सरकार का जेब काटने के तरीका है। मैं पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से नीतीश कुमार जी जाने का काम किए हैं वो लूट खसोट की सरकार मचा रखे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ नीतीश कुमार जी जब तक थे बिहार में विकास हो रहा था, 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिला। जब से नीतीश कुमार जी मोदी अमित शाह जी दाढ़ी वाले मोदी जी अमित शाह जी के साथ आने का काम किया और उन्होंने जेब काटने की सरकार बना चला शुरू कर दिए हैं। ये जनता का शोषण, ये 500 रुपये का रिचार्ज करेगा 2000 रुपये बिल देगा, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूँ इसके आपके द्वारा नीतीश कुमार जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी से और सुशील मोदी जी से, और मैं पूछता हूँ सुनिए सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से पूछता हूँ कि कहाँ की लूट खसोट की सरकार आप चला रहे हैं? मैं पूछता हूँ, आपने 62 में सर्वे की बात कर रहे हैं, जो 62 में सर्वे हुआ 70 तक सर्वे चला और उसके बाद गांव गांव खून होना शुरू हो गया, विवादित जमीन उलझा गया, उस मामले को काहे नहीं नीतीश कुमार ने सुना? अच्छा, जो डिजिटल मीटर को लेकर जो बोला जा रहा है भ्रांतियां है, बोला जा रहा है ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि डिजिटल मीटर जो है काफी अच्छा है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? डिजिटल गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए। जो मीटर पहले था वही मीटर होना चाहिए। गरीब का शोषण हो रहा है और गरीबों को लूटा जा रहा है, इसलिए डिजिटल मीटर हमें नहीं चाहिए। और मैं आपको आह्वान करता हूँ 1 तारीख के दिन हजारों के संख्या में डंके को चोट पवार देंगे, नीतीश कुमार जी के कानों तक आवाज पहुँचाएंगे कि डिजिटल मीटर को बंद कीजिए, गरीबों को शोषण हो रहा है, गरीबों को डिजिटल मीटर नहीं चाहिए। चलिए जो है अभी हम आपको मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड मुख्यालय में है और प्रखंड मुख्यालय में अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के कांटी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय के नेतृत्व में सभी जो उनके पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है डिजिटल मीटर को लेकर जो पूरी तरह से जो समस्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर जो है पूरे बिहार में 1 अक्टूबर को पूरी तरह से आंदोलन की जाएगी और जो है सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा कि जो डिजिटल मीटर में जो भ्रांतियाँ है, जो समस्या है, उसे दूर किया जाए। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाशन लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।